Good morning, students. Today our topic is mental health nursing issues for special groups. In this topic we are discuss different categories of special group. First of all, children, then adolescent, then women, then elders. Mental health nursing issues का special group में होना, इसका मतलब क्या हुआ? Just children's के अंदर कौन कौन से mental disorder है जो एक particular age group के अंदर arise हो सकते हैं, वो अपन children के अंदर, childhood के अंदर discuss करेंगे. Then adolescent age के अंदर कौन कौन से features है, कौन कौन से स्ट्रेस है, कौन कौन सा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, वो अपन एडोलसेंट के अंदर डिस्कस करेंगे. देन वुमन्स के अंदर कौन से हार्मोनल डिस्टरबेंस है के कारण डिजीज कंडीशन है, डिसऑर्डर्स है, लाइक पोस्टपार्टम साइकोसिस है, पोस्टपार्टम डिप्रेशन है, लाइक वो डिस्कस करेंगे. देन एल्डर्स मीन्स ओल्ड एज के अंदर कौन कौन सी ओल्ड एज साइकेट्रिक इलनेस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और इनके इंटरवेंशन के बारे में बात करेंगे. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस चिल्ड्रन. इन दिस चाइल्डहुड इज नॉट गुड टाइम फॉर ऑल चिल्ड्रन. चाइल्डहुड का टाइम है जो सब बच्चों के लिए एक अच्छा टाइम होता है, बट सब बच्चों के लिए, सबके लिए वो एक अच्छा टाइम नहीं होता. कुछ ऐसे चिल्ड्रन होते हैं जिनको बचपन के अंदर पेरेंट्स का लव एंड बिलोंगिंगनेस नहीं मिल पाता, कुछ का पेरेंट्स की डाइवोर्स वगैरह ये प्रॉब्लम हो जाती है. देन कुछ बच्चे सब्सटेंस अब्यूज के शिकार हो जाते हैं. तो ये सब कारण बच्चों के अंदर जाकर मूड डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर डेवलप कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी बच्चे के अंदर चाइल्डहुड में डिप्रेशन है और वो डिप्रेशन लॉन्ग टर्म के लिए है, तो एडल्टहुड में जाकर वो डिप्रेशन डिसथाइमिया के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब व्हाट इज डिसथाइमिया? डिसथाइमिया क्या चीज है? डिप्रेशन तो आप सब लोगों को पता है क्या होता है. डिप्रेशन का सिंपल मीनिंग है वर्थलेस, लोनलीनेस, आइसोलेट हो जाना, रोते रहना, ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब फीचर्स होते हैं डिप्रेशन के. डिप्रेशन को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ईजी है, इसको डिप्रेशन है. बट डिसथाइमिया को डिस्क्राइब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है देन डिप्रेशन. डिप्रेशन और डिसथाइमिया के बीच बिल्कुल एक पतली थिन लेयर होती है जिसको आइडेंटिफाई करना. अब डिसथाइमिया का मीन्स क्या है, जब अगर इसको अपन इजी वे में समझें तो देखो, डिस का मतलब समझते हैं डिफिकल्ट, थाइमिया को समझ सकते हैं थीम, जिसके लाइफ की जो थीम है वो क्या हो गई है, डिफिकल्ट हो गई है. या कोई आदमी ऐसा है जो चिड़ा रहता है, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेता है और किसी को कि मतलब कोऑपरेट नहीं करना, तो और उसके लाइफ की जो थीम है वो दुखी बनी रहती है. मतलब अगर फॉर एग्जांपल किसी आदमी के पास हर चीज़ है, घर है, गाड़ी है, घर में सब फैमिली मेंबर है, फिर भी वो खुश नहीं होता है, मगर उसकी लाइफ की थीम ही है जो दुखी हो जाती है, तो वो एडल्टहुड के अंदर जाके डिसथाइमिया की कंडीशन डेवलप होती है उसके अंदर. और डिसथाइमिया फिर नेक्स्ट मूड डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर के अंदर भी कन्वर्ट हो जाता है. एक अनदर एग्जांपल, अगर
कोई चिल्ड्रन है सब्सटेंस अब्यूज कर रहा है बचपन से, तो सब्सटेंस अब्यूज के कारण उसके अंदर क्या क्या कई तरह के साइकेटिक डिसऑर्डर डेवलप हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे मोस्ट कॉमन है कंडक्ट डिसऑर्डर। अब ये कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर जिस बच्चे को कंडक्ट डिसऑर्डर हो जाता है वो बच्चा फॉर एग्जाम्पल कभी किसी से झगड़ा कर लिया, किसी का सर फोड़ दिया बच्चे का, घर में आग लगा दी, जैसे घर से भाग गया, क्लास अटेंड नहीं करना, स्कूल अटेंड नहीं करना, किसी को पत्थर मार दिया, कुछ भी कर दिया, मतलब सबसे आर्ग्यूमेंट करना, कोई भी बात अपन बोले तो उसका अपोजिट काम करना, चोरी करना, ये रॉबरी करना, ये इस तरह के फीचर्स हैं जो कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर दिखाई देते हैं। तो ये कंडक्ट डिसऑर्डर डे बाई डे प्रोग्रेस होता रहता है चाइल्डहुड के अंदर ड्यू टू सब्सटेंस डिसऑर्डर के कारण। नाउ सेकंड पॉइंट इज एडोलसेंट्स। अकॉर्डिंग टू WHO द एज बिटवीन 10 टू 19 ईयर काउंट इन एडोलसेंट एज ग्रुप। एडोलसेंट एज ग्रुप जो है ये एज ग्रुप कंप्लीट फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस ग्रुप के अंदर काफ़ी इनस्टेबिलिटी होती है, फ्यूचर के अंदर प्रोफेशन को डिसाइड करना होता है कि आगे जाके क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे को क्या बनना है, ये सारी चीज़ें एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर चलती रहती हैं। तो एक मेंटल ग्रोथ का सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड है एडोलसेंट एज। अब इस एडोलसेंट एज ग्रुप के अंदर अगर सही कॉपिंग मैकेनिज्म जो बच्चा है वो अगर नहीं लगाता और पेरेंट्स का पीयर ग्रुप का उसको सपोर्ट नहीं मिलता तो उसके अंदर कई साइकेटिक प्रॉब्लम्स हैं जो अराइज हो सकती है, लाइक डिप्रेशन, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, सुसाइड, कंडक्ट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर अपन ने अभी डिस्कस किया ही था। देन सिजोफ्रेनिया, एंटी सोशल एक्टिविटी, देन एग्रोफोबिया एंड सोशल फोबिया। एग्रोफोबिया और सोशल फोबिया मीन्स किसी भी भीड़भाड़ वाली जगह से जाने, भीड़भाड़ वाली जगह के अंदर जाने से डरना, मतलब सोशल इंटरेक्शन बिल्कुल वो बच्चा कम रखता है। कहीं पे भी कोई इकट्ठा हो गया या कोई घर पे रिलेटिव आ गया तो वो दूर दूर भागेगा या इधर उधर कॉर्नर में जाके बैठ जाएगा, सेपरेट रहेगा, आइसोलेट रहेगा। देन जुवेनाइल वॉयलेंट क्राइम लाइक होमिसाइड, पॉसिबल रेप, रॉबरी, इस तरह के क्राइम हैं वो ऑलमोस्ट कर सकता है। नेक्स्ट सब्सटेंस अब्यूज। अब जब वो सब्सटेंस अब्यूज करेगा तो उसके अंदर हो सकता है कई तरह के और साइकेटिक डिसऑर्डर जिनको अपन बोल सकते हैं लाइक कोमॉर्बिड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। कोमॉर्बिड डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर क्या होता है? कोमॉर्बिड मीन्स एक बीमारी के साथ में दूसरी बीमारी। बिहेवियरल डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर, बिहेवियर का पूरा डिस्टर्ब हो जाना। अब इस बिहेवियरल डिस्टर्ब डिसऑर्डर के अंदर दो तरह के साइकोटिक डिसऑर्डर है वो कंबाइन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। कौन सा? ऑपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर के अंदर जो बच्चा है उसकी नेगेटिव थिंकिंग रहेगी फुल। देन कोई भी अपन उसको चीज़ करने के लिए बोलेंगे तो जस्ट वो उसके उल्टा करेगा, हर बात के अंदर वो झगड़ा करता रहेगा, चिड़चिड़ा होगा। ये सारी चीज़ें आती है अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर के अंदर। तो बिहेवियरल डिस्ट्रक्टिव डिसऑर्डर के अंदर फर्स्ट आता है अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर, देन प्लस उसके साथ कंबाइन हो जाता है कंडक्ट डिसऑर्डर। और कंडक्ट डिसऑर्डर क्या है? सीवियरिटी ऑफ द अपोजिशनल डिफेंट डिसऑर्डर। कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर सीवियर लेवल के अंदर वो कोई क्राइम करेगा, रेप करेगा, रॉबरी करेगा और कई तरह के क्राइम है वो उसके अंदर कर सकता है। चाकू रखना, हथियार रखना उसका शौक होगा,
किसी को डराने में उसको मजा आएगा, तो इस तरह के फीचर्स होते हैं कंडक्ट डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट, नर्सिंग इंटरवेंशन इन एडल्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डाटा कलेक्ट करेंगे, उसकी जनरल अपीयरेंस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जनरल हेल्थ स्टेटस, मेंटल हेल्थ स्टेटस, कल्चरल एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, सेक्सुअल बिहेवियर एंड यूज ऑफ ड्रग्स, और उसके साथ थेरापेटिक रिलेशनशिप बनाने की अपन कोशिश करेंगे, ताकि ये जो डिसऑर्डर्स हैं उसको, उनकी इंटेंसिटी को अपन मिनिमाइज कर सकें। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वुमन। वुमन के अंदर स्पेशल, इस स्पेशल ग्रुप के अंदर कौन कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर है हो सकते हैं, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल PMS, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। क्या है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम? मेंस्ट्रुएशन एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है जो वुमन के अंदर होता है नॉर्मली, बट कई वुमन्स के अंदर ये सिंड्रोम है, ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है, ग्रुप ऑफ डिजीज पाई जाती है। फॉर एग्जांपल कई एबनॉर्मल फीचर्स हैं वुमन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, लाइक सैडनेस, एंजाइटी, एंगर, इरेटेबिलिटी, लेबाइल मूड, डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन, सेंसिटिविटी, सुसाइड, होमोसाइडल आइडिएशन, इंसोम्निया। इस तरह के फीचर्स इंसोम्निया है, भूख कम लगना, नींद का कम आना, घबराहट रहना, एंजाइटी रहना, दुखी रहना, इस तरह के फीचर्स हैं जो प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के अंदर नॉर्मली देखने के लिए मिलते हैं। और इस सिंड्रोम का मैनेजमेंट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोजेस्टेरोन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव थेरेपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, देन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अप्लाई करेंगे और साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे। तो ये सब इनिशिएटिव लेने के बाद में प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को कुछ हद तक लिमिटेड किया जा सकता है। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है वुमन के अंदर ब्लू बेबीज। ब्लू बेबीज ये टर्म आफ्टर पोस्टपार्टम पीरियड, ऑलमोस्ट 80% वुमन के अंदर देखने के लिए मिलती है। इसमें क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी कुछ 2 या 3 घंटे के बाद में और कुछ वीक तक ये पीरियड है जो परसिस्ट होता है, और इसके अंदर क्या होता है, जो वुमन है वो लो मूड, टीयरफुलनेस, एंजाइटी, फटीग, इंक्रीज रेस्पॉन्सिबिलिटी, इरिटेबिलिटी, रेस्टलेस और स्लीप डिस्टर्बेंस फील करती है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज पोस्टपार्टम डिप्रेशन। पोस्टपार्टम डिप्रेशन सिमिलर टू दी ब्लू बेबीज बट इट इज लेस कॉमन। ये 10-20% महिलाओं के अंदर ही देखने को मिलता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो ब्लू बेबीज से थोड़े ज़्यादा सीवियर हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्टपार्टम साइकोसिस की कंडीशन 1000 वुमन्स में की तुलना करें तो 1 या 2 वुमन को ये पोस्टपार्टम साइकोसिस होने की संभावना रहती है। पोस्टपार्टम साइकोसिस के अंदर क्या होता है, जो लेडीज हैं उसके अंदर उसका मूड स्विंग होता रहता है, कभी वो उठ के चली जाएगी बेड से, कभी वो वापस आ जाएगी, इनसिक्योरिटी रहती है बच्चे की, और वो अगर सो रही है तो उसका अचानक उठ जाएगी और सोचेगी कि बच्चा कहीं गिर तो नहीं गया, उसकी कहीं डेथ तो होने की,
हलुसिनेशन उसको फील होते रहेंगे, विजुअल और ऑडिटरी, जैसे कानों में कोई बोल रहा है या उसको कोई ऐसा कोई दिखाई दे रहा है। और फॉल्स बिलीव, डिल्यूजन होंगे उसको कि कहीं बच्चे की डेथ तो नहीं होगी और आगे जाके इसका फ्यूचर कैसा होगा, ये क्या बन पाएगा क्या कुछ या नहीं बन पाएगा, तो हो सकता है वो खुद सुसाइड कर ले या फिटल डेथ भी, सॉरी जो बच्चे की डेथ है वो भी कर सकती है। इसके कुछ साइन ऑफ सिम्टम्स हैं लाइक इनसोम्निया, ईटिंग प्रॉब्लम, एंजाइटी, हेजिटेशन, हलुसिनेशन, विजुअल एंड ऑडिटरी, डिल्यूजन, कंफ्यूजन, फियर, सस्पिशियसनेस, रैपिड मूड स्विंग, देन सुसाइडल एंड होमिसाइडल थॉट्स। 5% सुसाइडल केस इन वुमन्स, 4% इन्फेंटिसाइड रेट। मैनेजमेंट ऑफ दिस पोस्टपार्टम साइकोसिस, इसको किस तरह से अपन मैनेज करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल ग्रुप काउंसलिंग, नेक्स्ट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सपोर्टिव साइकोथेरेपी एंड ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, एंटी साइकोटिक ड्रग्स देंगे, क्लोज फॉलोअप करेंगे, देन कार्बामेजेपिन, सोडियम वेलप्रोएट एंड बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स काम मिलेंगे टू मैनेज द पोस्टपार्टम साइकोसिस। नेक्स्ट इज मेनोपॉजल सिंड्रोम। मेनोपॉजल सिंड्रोम मींस आफ्टर द एज ऑफ 43 to 53, नॉर्मली फिजियोलॉजिकली लेडीज के अंदर मेनोपॉज अकर होता है। ये पीरियड बंद होने के बाद में कई तरह की डिफिकल्टी जो लेडीज है मे भी फील कर सकती है, स्लीप, वेजाइनल एट्रोफी, ड्राइनेस, वरिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, इरिटेबिलिटी, डिक्रीज सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्यू टू हाइपोएस्ट्रोजनिज्म, एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होने के कारण। देन नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज एल्डर्स। एल्डर्स के अंदर कौन कौन से साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं वो डेवलप हो सकते हैं इस स्पेशल ग्रुप के अंदर, वो हैं फर्स्ट ऑफ ऑल डेथ ऑफ सोपियस के कारण, रिटायरमेंट, लॉस ऑफ फिजिकल एबिलिटी, लॉस ऑफ साइकोलॉजिकल एबिलिटी, मूविंग टू ए लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी, ब्रेकअप ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम, लो सोशल क्लास, इन सब फैक्टर्स के कारण ओल्ड एज के अंदर, एल्डर एज के अंदर कई तरह के साइकेट्रिक डिसऑर्डर है जो अराइज होने के चांसेस रहते हैं। तो उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करने के लिए अपन स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं और इंटरवेंशन अप्लाई करते हैं, जिनके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल है बेटर कम्युनिकेशन, उनके साथ थेरापिटिक रिलेशनशिप रखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स। आवर नेक्स्ट क्लास ऑन विक्टिम्स ऑफ वायलेंस एंड अब्यूज।